अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से सेलर्स मरीनर की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन मैट्रिक होनी लाजमी है। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, पाकिस्तान की जानब से पब्लिश होने वाला सेलर मरीन का एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले आपने बैच का कोड नंबर याद रखना है A2024-S। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपकी जो भी एंट्री होगी, टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, तमाम इन चीज़ों के हिसाब से होगा और आपका मेरिट लिस्ट आना इसी कोड के हिसाब से बनेगी, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप पाकिस्तानी शहरियत के मर्द होने चाहिए, यानी कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। पाकिस्तान मरीन शोबे के अंदर एहलियत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस का होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, यानी कि अगर आपने बायो से किया हुआ तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र 17 से 21 साल हो, अगर आपकी उम्र 1 साल भी कम या 1 साल भी ज़्यादा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाइट आपकी कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, यानी कि 167.5 सेंटीमीटर। जितनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। बिनाई आपकी 6x6 पूरी होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं, ऐनक का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। शादीशुदा आप नहीं होने चाहिए। इज़दवाजी हैसियत आपकी सिंगल होनी लाजमी है। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मुलाजमत के दौरान जो आपको सहूलियात दी जाएंगी उनमें से कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुलाजमत के दौरान आपको मुफ्त खाना और रिहाइश और यूनिफॉर्म दी जाएगी। दौरान मुलाजमत आपको इंश्योरेंस का तहफ़ दिया जाएगा। कोर्सेज और डेपुटेशन के लिए आपको बैरून ममालिक जाने का मौका मिलेगा। शादी के बाद आपकी फैमिली रिहाइश और अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे आपको। दीगर मुराद जो कि फैमिली के हिसाब से आपकी होंगी, हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में आपको 50% रियायत दी जाएगी। वालदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री या फिर नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज आपको मुहैया किया जाएगा। बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम सहूलियात आपको दी जाएंगी। SHG में अगर आप पोस्ट हो जाते हैं नेवी की तरफ से तो आपको 40% इजाफी राशन अलाउंस दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके दिए जाएंगे। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 28 जनवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज है सोशल सर्कल के नाम से, आप जाके फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। ये इसकी DP लगी हुई आ रही है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, उसके ऊपर जो तफसीलात लिखी हुई होंगी उसको आपने फॉलो करना है ताकि आपको टेस्ट में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो इन तमाम शहरों में जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं नेवी के सिलेक्शन सेंटर मौजूद हैं, आप जाकर यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अप्लाई करने की वेबसाइट लिखी हुई है joinpaknavy.gov.pk। इसके ऊपर अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है क्योंकि आज संडे है, कल से बकायदा पब्लिश हो जाएगा तो आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो पाकिस्तान नेवी में आने वाली जॉब्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।